आज के ब्लॉग की जो आपको एक खासियत मैं बताऊं, आज मैं निकलूंगा सिर्फ 200 रुपये लेके और देखता हूं मैं 200 रुपये में कितना जयपुर घूम पाता हूं। तो मेरी एक दिन की जो सर्वाइवलिटी रहेगी वो रहेगी 200 रुपये। हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है। और अभी दिन का लगभग 11:30 बज रहा है, बहुत लेट हो गया। मैं सुबह आ गया था 6 बजे और अभी मैं थोड़ा आके सो गया था अपने हॉस्टल में। अब मैं जा रहा हूँ, आज मैं हवा महल जाऊँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा जंतर मंतर। तो आज दो तीन स्पॉट हैं, बढ़िया एकदम वीडियो आएगी। तो अभी जो मैं जाऊँगा हिचहाइक करके जाऊँगा लिफ्ट लेकर लोगों से। तो दिन की पहली लिफ्ट मांगता हूँ, देखता हूँ किससे मिलती है। मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो अपना ऑटो या फिर उबर से निकल जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है यहाँ से। जो हवा महल है मेरे हॉस्टल से 2 किलोमीटर है, तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे अगर मैं लिफ्ट लेता भी हूँ। तो पहले मैं देख लेता हूँ किससे लिफ्ट मिलती है। और भाई एक जन ने यहाँ पे रोक लिया बाइक, देखता हूँ कहाँ तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं भैया? मैं यहाँ कानपुर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ जाना है, बापू चौक नहीं है, बापू मार्केट। नहीं, बापू मार्केट सीधे कितना जाएंगे? मैं हवा महल जाना है मुझे। तो छोड़ लो ना। अरे मुझे लिफ्ट लेके जाना है, यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ना मैं। हाँ तो आप मुझे छोड़ दो जहाँ तक छोड़ सकते। हाँ क्या हुआ? सामने खड़े हुए पुलिस वाले। हाँ। अच्छा विदाउट हेलमेट नहीं है? नहीं। अच्छा बाइक से नहीं हो रही। थैंक यू भैया। अरे यार दोनों लोगों को हेलमेट यहाँ पे ज़रूरी है, तो बाइक से तो लिफ्ट मिलनी नहीं है। आगे चौराहे से मैं ऑटो कर लूँगा। लो देखो चालान कट रहे हैं। देखा भैया चालान कट रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब लिफ्ट तो मिली नहीं मेरे को, तो मैंने जो है ऑटो कर लिया है। मतलब कोई टुक टुक 20 रुपये लेगा यहाँ से हवा महल तक के। और मैं चौराहे तक आ गया था पैदल पैदल, लगभग आया था 1.5 किलोमीटर पैदल आया हूँ लिफ्ट देखते देखते, जो कि मिली नहीं थी। अरे यार बड़े गड्ढे हैं। तो अभी हवा महल पहुँच के दिखाता हूँ सर। और ये मैं आ चुका हूँ अभी हवा महल के जो गेट पे, और यहाँ से मैं अभी एंट्री लूँगा अंदर। ये माणिक चौक से आ रही है रोड पीछे से, अगर आप बिरला टेम्पल की साइड से आ रहे हो तो आप इधर से आना, माणिक चौक सामने है और उसके 100 मीटर आगे ये अपना जो हवा महल है उसका गेट है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ। ये हवा महल के अंदर ही आई है रोड, मैं वैसे पीछे वाली रास्ते से आया था पिछली बार। तो ये सारी यहाँ पे मार्केट लगी हुई है और सामने जो है टिकट वगैरह मिल रहे हैं। भाई टिकट तो मैंने ले लिया है यार, 50 रुपये का ही दिया उन्होंने। एक्चुअली स्टूडेंट अगर आईडी आपके पास तो फिर जो है 10 रुपये का है। और अभी देखो मैं टिकट दिखा देता हूँ इन लोगों को। ठीक है। अरे काहे खराब है बाबा, ये सब तो यार दोबारा बन गया मुझे लग रहा है, या फिर हो सकता है मैं उस साइड से गया हूँ। तो मैं यही बता रहा था अगर आपके पास स्टूडेंट का आईडी कार्ड है तो फिर 10 रुपये लगेंगे यार। एंटर कर चुका हूँ भाई मैं हवा महल के अंदर। देखो कितनी आवाज मेरी गूंज रही है।
पूरा घूम चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ये जो माइक लगाया भाई, मैं कल जयपुर आ रहा था उससे 2 घंटे पहले मेरे पास प्रियंका का फ़ोन आया, बोली सारी चीज़ें सेट है, मैंने कि यहाँ, फिर उसने बोला ऑडियो क्वालिटी के लिए कोई माइक वाइक ले लिया, मैंने कहा यार माइक तो है नहीं मेरे पास, तो बोलती है कि मेरे पास है तू आके ले ले। तो फिर उसने, मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ तेरे पास, तो फिर मैं फटाफट उसके पास 10 मिनट के अंदर गया, उसने मेरे को माइक दिया। तो भाई इस माइक से अगर थोड़ी सी भी आवाज़ बेटर हुई है तो भाई थैंक्स टू प्रियंका और उसका। हाँ इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का हैंडल जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत टैलेंटेड गर्ल है भाई, एक बार जाके देखो, फूड ब्लॉगर है बरेली की, देखना ज़रूर। तो अभी जो है मैं एग्जिट की तरफ बढ़ चुका हूँ धीरे धीरे, जंतर मंतर की तरफ बढ़ूँगा, बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज, तो 10 मिनट मैंने कहा कि इंतज़ार कर लूँ लेकिन नहीं रुकी, तो अब मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही जाऊँगा क्योंकि अब जो बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। ये जो कॉरिडोर बने हुए हैं यहाँ पे देखिए, कबूतर बहुत रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उन कबूतरों ने बड़ी यार हत्या करी थी। ये बाहर जाने का रास्ता है हवा महल का, यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए दुकानें हैं, तो आप खरीद सकते हैं जो आपको लेना हो। ये रहा गेट, मैं अभी इसके बाहर जा रहा हूँ, अभी जंतर मंतर पे जाऊँगा फिर मैं। ये जो है भैया पूरा जौहरी मार्केट है, काफ़ी फैला हुआ है अपना बिजनेस भाई। हवा महल के बाद अब आ गया हूँ मैं जंतर मंतर, तो जंतर मंतर का भी टिकट लगभग 50 रुपये ही है मेरे ख्याल से।